हाँ गुड इवनिंग। बहुत पेरेंट्स कोई कनेक्ट नहीं हुआ है तो उनको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ से काफी पेरेंट्स का दिख रहा है माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप में एक मैसेज डाला है, आप लोग अगर चेक करेंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं इसमें भी लिख देता हूँ। गुड इवनिंग। इवनिंग, नमस्ते सब पेरेंट्स को। काफी पेरेंट्स मतलब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं जूम, इसलिए माइक कनेक्ट नहीं कर पाए तो उनको ऑडियो में प्रॉब्लम आएगा। तो बाकी का माइक मैंने यहाँ से कंट्रोल किया है, तो मैं यहाँ से उसको ओपन करने से आप लोग अपने बात कर सकते हैं।
तुम्हारे स्कूल इसलिए इसलिए मतलब सर मिसने गुड इवनिंग। मैंने माइक म्यूट किया है सबका। काफी पेरेंट्स ज्वाइन हो गए हैं पर माइक कनेक्ट नहीं किया है। फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, पूरा सेशन रिकॉर्डिंग में है तो सेशन खत्म होने के बाद में हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग। तो 3-4 दिन हम यूज करने के बाद में ये फ्रेंडली हो जाएगा। फर्स्ट डे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हम लोग करीब 5 मिनट्स वेट करते हैं, कुछ और पेरेंट्स ज्वाइन हो जाएं। अभी तक 49 पेरेंट्स ज्वाइन हो गए। अगर आप आपका फोन का स्क्रीन स्लाइड करेंगे तो आपको सब पार्टिसिपेंट्स दिख सकते हैं जो लोग ज्वाइन हैं। फाइव मिनट्स हम लोग वेट करेंगे। जीता मिस यू में अनम्यूट। यस सर। तुम्हें मिस सबीना मैम, यू कैन अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तुम्हें मिस यू कैन अनम्यूट। Yes, sir. Done. We'll wait another 2-3 minutes. Almost 70 parents are there. 70 parents join ho gaye hain, or teachers bhi. Thank you.
आज का मीटिंग है जो नए एडमिशन हुआ है प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास तक के जो भी पेरेंट्स है उनके लिए है। 6 और 7 तो ऑफलाइन में चल रहा है, प्ले ग्रुप से हम लोग 2-3 दिन के बाद में ऑनलाइन में स्टार्ट करेंगे, तो उसका डिटेल्स के लिए आज ये एक सेशन हमने रखा है। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा बट एक हफ्ते के बाद में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। काफी लोगों का माइक कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। मिस यू कैन पुट असामिस मैसेज, चंद्रिका मिस। एक्चुअली सर ही इज म्यूटेड। ओके ओके आई अनम्यूट हर। मैम यू ड्रॉप अ मैसेज इन दैट ग्रुप असामिस में, एक मैसेज डालिए कि उसमें एक मैंने पिक्चर डाला हुआ है स्क्रीनशॉट, उसने माइक का दिया हुआ है, माइक को क्लिक करने से ही आवाज आएगा। रफीकुल इस्लाम जी करके एक है, उनका भी माइक है, जब तक माइक ऑन नहीं होगा सुनाई नहीं देगा। थैंक यू पेरेंट्स ज्वाइन होने के लिए। 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चंद्रिका मिस यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप टू कनेक्ट द ऑडियो। यस सर, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप टू कनेक्ट द ऑडियो। ओके सर। दीपशिका मिस यू कैन अनम्यूट। यस सर डन। वर्षा मिस यू कैन आल्सो अनम्यूट। करिश्मा मिस I'm just reading out the names, okay? जिसका भी माइक बंद है ना, मैं नाम थोड़ा बोल देता हूँ। फोन है, एक रेडमी नोट है, हृदय आनंद का माइक ऑफ है, रूपशिका का भी माइक ऑफ है, या सो वन थिंग वी कैन डू, ठीक है? बहुत लोगों का कनेक्ट नहीं हुआ है, तो जिसका कनेक्ट हो गया वी कैन स्टार्ट द सेशन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सब पेरेंट्स को।
थैंक यू सब लोग ज्वाइन होने के लिए. फिर भी इसमें करीब 30 to 40 लोगों का माइक कनेक्ट नहीं हुआ है जो मुझे यहाँ पे सिस्टम में दिखा रहा है. तो बाकी लोगों का माइक कनेक्ट हो गया है तो यहाँ से उसको म्यूट करके रखा है. तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट बात कर देते हैं, उसके बाद वो अनम्यूट कर देंगे. तो आप लोग कुछ अगर डाउट है, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं. नीचे में फोन में एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, उसको क्लिक करने से आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा. माइक को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कनेक्ट होगा. गुड इवनिंग. जैसे हम लोग प्लान किए थे वैसे तो हुआ नहीं. लास्ट मोमेंट में जिस दिन ओपनिंग होना है उसे एक दिन पहले नोटिस आया क्लोज हो गया है. तो सब लोग अवेयर है इस बात से. तो KG 1-2 ऑनवर्ड्स हमें इतना टेंशन नहीं है क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके साथ में जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स जब अटेंड करना शुरू करेंगे 1 week 15 days में वो लोग ऑटोमेटिक उसमें करने के लिए ओके रहेंगे. नर्सरीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ऑलमोस्ट कुछ बच्चे शायद नहीं बैठेंगे और फोर्सफुली किसी बच्चे को भी नहीं बिठाना है. तो हम लोग इनिशियली उनके साथ में सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, हाय हेलो व्हाट इज योर नेम, कौन सा कलर है ये क्या है, ऐसे करके एक दिन में 40 मिनट का सेशन हम लोग अभी इनिशियली प्लान किए जो न्यूली एडमिटेड प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, उनके लिए. तो ऑलमोस्ट 1 week के लिए शायद हम लोग जूम में इसको कंडक्ट करेंगे. उसके बाद न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के जो डाटा है उसको हम स्कूल का एक ऐप हमने क्रिएट किया है तो उसमें भी लाइव कॉन्फ्रेंस क्लासेस जैसे जूम में होता है वैसे ही हम लोग हमारा जो स्कूल का ऐप है उसमें होगा. तो जब तक वो प्रिपेयर नहीं होता है ऑलमोस्ट 10 days लगेगा उसको अपडेट करके, डाटा सब उसमें अपडेट करने में. तो तब तक हम लोग जूम में क्लासेस करेंगे. तो कल पूरा टाइम टेबल आपको शेयर करेंगे हम. डे आफ्टर टुमारो से हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे. उसके लिए एक फीडबैक फॉर्म हम शेयर करेंगे. लास्ट ईयर हमने क्लासेस किया था कि ऑलमोस्ट सब लॉकडाउन था, ऑफिसेस भी बंद थे, पेरेंट्स घर पे थे और फोन घर पे था. ऑनलाइन क्लासेस के लिए कम से कम एक स्मार्टफोन चाहिए, नोटबुक्स आपके पास में है और टीचर्स गाइड करेंगे और हम लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप. अभी तो ऑलमोस्ट 1 month के लिए शायद क्लोज है, 8 May के लिए तक का बंद दिया है अभी. तो हमारे काफी पेरेंट्स है जो डिस्ट्रिक्ट डीसी सर के ऑफिस में भी वर्क में है तो उन लोगों से भी डिटेल मिल जाएगा. अगर ये ओपन होता है तो अच्छा है, नहीं ओपन होने से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने होम स्कूलिंग का भी पूरा प्रिपरेशन किया था लास्ट ईयर. तो फर्स्ट इनिशियली कल आपको टाइम टेबल देंगे और कल एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे जिसमें आपका टाइमिंग हम लोग को चाहिए. आपको मॉर्निंग में क्लासेस चाहिए या इवनिंग में क्लासेस चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजोरिटी पेरेंट्स जो है सर्विस करते हैं, सुबह ऑफिस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, इस वजह से मोबाइल फोन जो घर में अवेलेबल नहीं है. इसीलिए दो टाइमिंग हम लोग देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग. तो आप लोग फीडबैक फॉर्म में कन्वीनियंट टाइम फिल करके सबमिट करना है. फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन ही आएगा. वो छोटा सा एक लिंक आपका व्हाट्सएप जो अभी क्लासेस का ग्रुप बना है तो उस ग्रुप में और जो भी ग्रुप है उसमें हम लोग शेयर करेंगे कल. वो फीडबैक फॉर्म फिल करने के बाद में हमारे पास में डाटा अपडेट होके आएगा, कितने पेरेंट्स को मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, कितने पेरेंट्स को इवनिंग शिफ्ट चाहिए. उसी हिसाब से टाइम टेबल स्टार्ट करके नर्सरी
और प्ले ग्रुप का जो है 40 मिनट्स करके अभी स्टार्ट करेंगे। जस्ट बुक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ बच्चे हमसे बात करें, थोड़ा सा आपस के बच्चों को देख पाए, सिर्फ वो एक टच के लिए। अगर वो बैठना शुरू होते हैं उसके बाद में हम लोग बुक्स या बाकी का एक्टिविटीज जो स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली आज फर्स्ट डे है, जो काफी पेरेंट्स के लिए जूम में ये बहुत क्रिटिकल फील होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वन वीक के अंदर में, वन वीक भी नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट हमारा जब एक दो महीने के बाद में नर्सरी के जो लास्ट ईयर के बच्चे थे वो लोग खुद ऑपरेट करते थे, खुद वो लोग व्हाट्सएप ओपन करेंगे, लिंक क्लिक करेंगे, वहां से जूम ओपन करेंगे, खुद अटेंड करेंगे क्लासेस, से बात करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, वो सब ये लोग खुद सीख जाते हैं। सिर्फ वन वीक का टाइम चाहिए, तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा टफ है और आप लोग के कॉपरेशन से हम इसको करना चाहते हैं। और जबरदस्ती करके फोर्सफुली किसी भी बच्चे को नहीं बैठाना है। अगर नहीं बैठते हैं उनको कोई टॉय हाथ में देके बोलो कि देखो क्या बोल रहा है टीचर, टीचर से एक मिनट, पांच मिनट ही बैठे तो पांच मिनट ही करवा दीजिए। सिर्फ 40 मिनट का सेशन करके स्टार्ट करेंगे, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, मिस कोई राइम्स गाएगा या हम लोग कोई वीडियो शेयर करके, वो वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन में ही देख सकते हैं। वैसे और कुछ एक्टिविटीज हम लोग शेयर करेंगे जिसको आप कर सकते हैं। ऐसे इनिशियली ये अभी के 10-15 डेज हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे नर्सरीज के लिए। और एलकेजी का थोड़ा डिफरेंट है, एलकेजी में ऑलमोस्ट 15 या 20 स्टूडेंट्स है न्यू, और मेजोरिटी 80-90 स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट ईयर के, तो वो लोग ऑलरेडी जूम में क्लासेस किया है, अच्छे से क्लास किए, पेरेंट्स को भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जितना भी अभी ट्रेनिंग सेशन होगा, जितना भी हमारा अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स है अराउंड 200 प्लस, नर्सरी में 100 से ज्यादा है, और नर्सरी का केजी वन में है, केजी टू में है, फिर अदर अदर क्लासेस में है, तो 200 से ज्यादा जो पेरेंट्स है उनके लिए ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन दूसरे दिन एक मीटिंग होगा। आप लोग प्लीज उसे अटेंड कीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक बच्चे भी अटेंड करना शुरू करेंगे और आप लोग को भी थोड़ा सा और इसमें नॉलेज आ जाएगा। काफी लोगों को है जो ऑफिशियली अभी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफी ऑफिस में जूम यूज हुआ है और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी यूज किया है। तो अगर नहीं भी किए टीचर्स आपको असिस्ट करेंगे, नहीं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप में, आपका जो भी डाउट है या नहीं कर पा रहे टोटली, अगर नहीं उसको कनेक्ट कर पा रहे तो आप स्कूल में आ सकते हैं। स्कूल में आप मॉर्निंग 8:30 से लेके इवनिंग 3 PM के बीच में आइए, हम उसको कनेक्ट करके आपको पूरा डिटेलिंग से उसको सिखा देंगे। सॉरी, सॉरी, फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए ऐसे कि मॉर्निंग का सेशन या इवनिंग का सेशन, उसमें से कोई भी एक सेशन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेशन अटेंड कर सकते हैं। पर 40 मिनट में अगर कोई बच्चा ऐसा है बिल्कुल नहीं बैठता है, 5 मिनट ही उसको बिठा लीजिए। नहीं बैठने से भी हम ये सेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब स्कूल का एक चैनल है उसमें भी देंगे, उसको आपका अगर एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, उसमें आप टीवी में यूट्यूब में दिखा सकते हैं, नहीं तो फोन में अगर यूट्यूब है उसमें भी आप उसको दिखा सकते हैं, सिर्फ एक इंटरेक्शन के लिए। अगर 10-15 मिनट आते हैं, काफी बच्चे अगर नहीं बैठेंगे तो आप पर्सनली एक बार बता दीजिए, जो जो बच्चे नहीं बैठ रहे हैं तो उनके लिए हम प्लान आउट करना पड़ेगा क्या किया जाए। तो हमारा होप यही है कि 15 मई या 8 मई तक ये ओपन हो जाए। सिचुएशन जो है अच्छा नहीं है, आज भी टोटली ऑल ओवर इंडिया में
3 लाख पॉजिटिव केसेस मिला है। बरपेटा में भी शायद 280 के ऊपर गए हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं बच्चे लोग घर पे ही रहें, अगर जब तक ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व नहीं हो तो हम लोग यहीं से बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करेंगे और आपके हेल्प से उनको सिखाना चाहते हैं। Teachers, if you would like to talk anything, after that I'll give chance to parents to talk. तो मैं अभी पेरेंट्स को टाइम देंगे, आप एक एक का माइक ऑन करने के लिए यहाँ से एक ऑप्शन आपके स्क्रीन में आएगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ करके, तो उसको आप क्लिक करने से आपका माइक ऑन हो जाएगा, बात कर सकते हैं। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, माइक ऑन कीजिए। थैंक यू सर। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम कुछ आपका डाउट वगैरह है पूछने के लिए? नो सर, अभी तक तो नहीं है। अच्छा लगा आज वो मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज किया। जी मैम। और अभी जो कोरोना के वजह से जो बंद हो गया स्कूल, जी मैम, वो तो होना ही था, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा उधर जाए और कुछ हो जाए। जी तो वही अच्छा है जो आपने किया, आपका डिसीशन, योर डिसीशन इज वेरी राइट। सो ऐसे ही चालू रहेगा, ऑनलाइन क्लास करेगा बच्चा? हाँ मैम, हम अभी पहले थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सब बच्चे एक जैसा नहीं। हाँ। तो कम से कम हाय हेलो व्हाट इज योर नेम जनरल चीजें हम उनसे बात करके जो कॉन्वर्सेशन या ओरली जो चीजें सिखाना था वो एटलीस्ट अगर स्टार्ट करें, बाकी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वर्क हम लोग शेयर करेंगे। तो वो जो नोटबुक्स है काफी पेरेंट्स को नहीं मिला है, आप लोग कल से आके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस में हम नर्सरी के लिए तो अभी नहीं होगा, पर आफ्टर 5-6 डेज नर्सरी का भी क्लास वर्क होमवर्क हम लोग देंगे, तो आप लोग उसको घर पे करा के हर सैटरडे को उसको स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, टीचर्स उसको करेक्शन करके। आप सैटरडे को अगर एक कॉपी, जैसे दो दो कॉपीज है ना, एक कॉपी सबमिट करेगा तो सेकेंड कॉपी रिटर्न लेके जाएंगे, तो वो हम लोग ऑनलाइन उसको रोलिंग में डाल देंगे। कम से कम बच्चा जो कर रहा है उसको टिक हो जाए, बच्चे को वेरी गुड मिले, तो उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगा कि नहीं मैं करके अटेंड करना है। और उसमें काफी ऐसा सिस्टम भी है, तो एक एक दिन के बाद हम लोग जो सेशन करेंगे उस सबको सिखा देंगे, जिसमें आप स्पॉट में बच्चे को आप वर्क करके आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, तो उसी में हम लोग उसको वेरी गुड या स्माइली या कुछ उसको भेज देने से तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अच्छा टीचर्स उनके साथ बात कर तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ तो कभी सोचा ना था सर, हम लोग कभी सोचा ना था कि ऐसा ही होगा कभी लाइफ में। 3 साल का बच्चा ऑनलाइन में स्कूलिंग करना पड़ रहा है 2021 में, तो हर साल प्रॉब्लम, हमने सोचा था कि नहीं होगा ऐसा, फिर भी लास्ट ईयर इतना फोकस नहीं किया था नर्सरी में, हमने सोचा खुलेगा, फिर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ के बाद में फिर हमने स्टार्ट किया। बट इस साल अभी देख रहे हैं जैसे डेली बेसिस में केस इंक्रीज हो रहा है,
तो एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन बातचीत करके आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो हम करना था टीचर्स ने यहाँ पे करना था जो जो पेरेंट्स एंगेज रहेंगे के साथ में उससे हम लोग तो ठीक है मैम मैं उस पेरेंट्स ठीक है सर ठीक है थैंक यू यहाँ पे टू मनी करके है माइक ऑन कीजिए टुक्कू मनी जी हेलो सर हेलो मैम गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम आपको जूम कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं सर ठीक है ना तीन चार दिन अगर प्रॉब्लम आने से भी इसमें इंटरनेट कनेक्शन हमको चाहिए अगर पूरा दिन बच्चा अगर यूट्यूब देख के डाटा खत्म हो गया है तो क्लास के समय में प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसलिए एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए 500 MB अगर एक घंटे से ऊपर क्लास होता है तो 1 GB सिर्फ क्लास के लिए चाहिए शायद बच्चा अगर उसके अलावा भी फोन यूज करते हैं तो सब पेरेंट्स को शायद अपना जो मंथली पैक है डाटा का उसको अपडेट करना पड़ेगा अगर यूजर्स नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 MB होने से एक दिन का सेशन कवर हो जाएगा विदाउट प्रॉब्लम ठीक है मैम थैंक यू मैम यहाँ पे हृदय आनंद सर आप माइक ऑन कीजिए गुड इवनिंग सर सर गुड इवनिंग सर सर मुझे जानना था कि क्लासेस कितने कितने टाइम पर स्टार्ट होगा सर अभी सेशन. हम एक फॉर्म दे देंगे जिसमें क्योंकि सब पेरेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में है और फोन तो घर पे नहीं है क्योंकि मॉर्निंग 10 बजे सब फोन ऑफिसेस में चले जाएगा वर्क प्लेस में चले जाएंगे पेरेंट्स तो पहले लास्ट ईयर क्या था कि पेरेंट्स का भी सब लॉकडाउन था घर में थे तो हम लोग मॉर्निंग सेशन यूटिलाइज किया है तो इस साल में ऑफिसेस खुला है स्कूल बंद है तो हम लोग दो टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे एक रहेगा शाम को 7 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में एक रहेगा मॉर्निंग में मॉर्निंग मतलब ऑलमोस्ट 10 AM से शुरू होगा 11:30 या जैसे नर्सरी का है तो 40 मिनट्स का रहेगा 10 से 10:40 अगर इवनिंग में होने से 6 से 6:40 नहीं तो 6:30 से 7:10 ऐसे करके हम लोग देंगे दो सेशन में देंगे तो आपका जो कन्वीनियंट है अगर आप मॉर्निंग में अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आप इवनिंग सेशन के लिए आप दे सकते हैं या दोनों टाइम आप अगर दे सकते हैं तो दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा बैठेगा वो तो हम भी नहीं चाहते हैं कि 3+ को स्क्रीन टाइम ज्यादा दें क्योंकि ऐसे ही सब बच्चे अभी फोन तो यूज करते हैं यूट्यूब हो गया कार्टून हो गया साथ में ऑनलाइन भी अगर ज्यादा दे दिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो इसलिए हमारा जो सेशन रहेगा अगर बच्चा पूरा बैठता भी है तो दो सेशन हार्डली आएगा 40 मिनट्स का दो सेशन आएगा उससे ज्यादा नहीं आएगा यूट्यूब में डेली आएगा LKG और UKG तक 40 दो सेशन से ज्यादा नहीं आएगा क्लास 1 हफ्ते में जी सर हफ्ते में डेली होगा सर पूरे मंडे टू सैटरडे नॉर्मल स्कूलिंग जैसे होगा जैसे टाइम टेबल मिल जाएगा अगर सुबह का टाइमिंग है डेली सुबह 9 बजे होगा और शाम को सेम टाइम में वैसे होगा प्रॉपर रूटीन में डेली उसी हिसाब से वो चलेगा आप टाइप कर सकते हैं आपके कीपैड में तो उसमें सिर्फ यस नो टाइमिंग का रहेगा यू वांट मॉर्निंग सेशन और इवनिंग दो ऑप्शन रहेगा 6 to 7 या 9 to 10 AM तो आपने अगर 6 to 7 किया तो आप उसको टिक कर देने से हमको पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा फलाने सेक्शन का नर्सरी का इसको इवनिंग सेशन चाहिए तो हम लोग हर बच्चे को डिवाइड कर देंगे अलग अलग क्लासेस में और उनको टाइम टेबल प्रोवाइड कर देंगे तो उसी हिसाब से ये लिंक प्रोवाइड होगा और जैसे क्लास से 1/2 आवर पहले व्हाट्सएप में ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा तो क्लास शुरू होने टाइम 6 बजे या 7 बजे आप उस लिंक को क्लिक कीजिए पासवर्ड और उसका मीटिंग आईडी डालने से डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन अटेंड करने से बच्चा खुद वो लोग ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं हमारा फाइनल सेशन तक जी एनुअल एग्जामिनेशन
नर्सरी के बच्चों ने खुद किया है, पेरेंट्स को फोन में हाथ नहीं लगाने दिया है, पेरेंट्स को डर था कहीं गलत ऑप्शन अगर सेलेक्ट कर देंगे मार्क्स चले जाएगा, पर बच्चा कॉन्फिडेंट था क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मंथ ऑनलाइन जूम क्लासेस किया है उसने डेली बेसिस में। तो ये लोग भी ऐसे ही है सब, तो इनका अभी तो ये ओवर अपडेटेड है जिनका स्कूलिंग ही ऑनलाइन में शुरू हो रहा है हमसे ज्यादा अपडेटेड। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं है, हम बाकी पेरेंट्स से भी सबसे बात नहीं हो पाएगा, अगर किसी का डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या स्कूल में आने से भी बात होगा, तो मैं कुछ पेरेंट्स से और बात कर लेते हैं। कौशिक सर, लोग है ना मेरे स्क्रीन पे, तो काफियों का नाम भी नहीं है, नाम बच्चे का है या पापा का है मम्मी का है, तो मैं जो दिख रहा है उनको अनम्यूट करें। सर थैंक यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? या फाइन सर, फाइन, थैंक यू सर, फाइन, थैंक यू। यस सर, योर डिजिटल क्लासरूम इज रियली एप्रिशिएटेड। यस, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। Please, if you don't mind, please share about your apps that you have mentioned. Yeah. How is the class going on apps? Sir, school apps. School app में मैं हिंदी में बोलूँगा कि सब लोग जो इंग्लिश अगर किसी को समझ। Okay, no problem. मैं okay. सर हमारा काफी ऐप है तो मैं एक साथ में सब इसलिए नहीं बताया पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं हो। तो इनिशियली हम लोग जूम अभी यूज करेंगे, जैसे जूम थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएगा हमारे साथ में तो हमारा जो बुक्स है जो आप लोग को बुक्स दिया है वो बुक्स का एक ऐप है अलग सा, माई बैग करके, माई बैग, तो वो सेकेंड ऐप होगा जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें कंप्लीटली जो बुक्स आपके हाथ में हार्ड कॉपी है उसका एक्टिविटीज, उसका सॉफ्ट कॉपी, उसका गेम्स, उसमें वीडियो, उसका ऑडियो, सब उस माई बैग ऐप में रहेगा, जिसका लॉगिन आईडी वगैरह ऑलरेडी क्लास 1-8 का आ चुका है। जो न्यूली एडमिटेड है उनका 10 डेज में आ जाएगा, तो 6-7 डेज में जूम जब तक हमारा फ्रेंडली हो जाएगा तब तक हम सेकेंड ऐप इंट्रोड्यूस कर देंगे जो बुक्स के साथ में कनेक्टेड है, तो डिजिटल बुक्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, जिसमें अगर स्टोरी दिया है जैसे एग्जाम्पल के लिए कछुआ और उसका जो खरगोश का था, तो हम लोग बुक में तो स्टोरी लिख के दिए है, तो ऐप में क्या है उसका एक वीडियो दिया रहेगा, तो बच्चा वो वीडियो देख सकता है या उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी उसमें रहेगा, तो वो बुक में जो है सेम वो चीज उसको फोन में मिलेगा। फिर उसके साथ में सर हम लोग का स्कूल का एक ऐप है, तो जिसमें आपको डेली बेसिस में नोटिफिकेशन या बच्चे का परफॉर्मेंस ऐसे करके सब चीजें मिलेगा, वो फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे लास्ट में ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद में। तो थर्ड ऐप है जो पेरेंट्स के लिए है माई किड करके, माई किड, तो उसमें आपका बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है स्कूल में, अभी तो ऑफलाइन में कैसा परफॉर्मेंस है वो उसमें आएगा, अभी ऑनलाइन में जब कन्वर्ट हो गया तो ऑनलाइन का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें हम लोग देंगे, क्योंकि नर्सरी का जो बच्चा है उनका सिर्फ अभी इंटरेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिर्फ वो बातचीत करें टीचर से, पहचान ले फेसेस तो ऑलरेडी पहचानते हैं, इसलिए शायद नर्सरी क्लासेस में मैं भी आऊंगा उनसे बात करने के लिए, मैं उनका क्लास टीचर नहीं हूँ फिर भी एडजस्ट करने के समय मेरे साथ में काफी बच्चे फ्रेंडली हो गए थे, तो कम से कम वो बातचीत करें थोड़ा सा हाय हेलो, हम लोग उनको टेक्निकली थोड़ा सा राइम्स दिखाएंगे ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। एलकेजी ऑनवर्ड्स इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बैठना शुरू होंगे क्योंकि उसमें मेजोरिटी जो 90% बच्चा है वो सब बैठ के ऑटोमेटिक करते हैं, वो उन्होंने किया है लास्ट ईयर में तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो नए हैं वो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो स्कूल ऐप एक जूम हो गया, अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग क्लासेस के लिए, सेकेंड आएगा आपका जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके साथ में कनेक्टेड है, थर्ड है आप बच्चे का परफॉर्मेंस के लिए जो पेरेंट्स के लिए है, और फोर्थ एप्लीकेशन है जो ब्रुकलिन मिशन स्कूल का हमने प्रिपेयर किया है जो ओवरऑल ऐप, उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बच्चे का रिजल्ट देख सकते हैं, क्लास टीचर से बात कर सकते हैं,
कोई हॉलीडे कैलेंडर उसमें रहेगा, टाइम टेबल उसमें रहेगा, मतलब ओवरऑल स्कूल का जो भी डिटेल है उसमें आपको अवेलेबल रहेगा। अभी फिर उसके साथ डेली बेसिस में व्हाट्सएप क्लास वाइज ग्रुप्स है, क्लास वाइज और एक हेल्प डेस्क है जिसमें कोई भी डाउट होने से आप सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक उसमें क्वेश्चन डाल देने से टीचर्स या रिसेप्शन से कोई भी उसमें रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग को 1 वीक लगेगा। थैंक यू सर, ट्रेनिंग में आने रियली रियली गुड इनिशिएटिव टेकन बाय यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ कम्युनिकेशन कोरोना अभी जाने वाला नहीं है जी सर, नॉर्मल या सर, जैसे आज और प्लस हमें भी डिजिटलाइजेशन का पता चला। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कुछ और पहले भी देखना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। रफीकुल जी आप माइक ऑन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। सर स्टार्टिंग में शायद आपका माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था जी, बिल्कुल फर्स्ट डे था ना, इसलिए मुझे अभी भी काफी पेरेंट्स है, ऑलमोस्ट 30 पेरेंट्स माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। माइक कनेक्ट नहीं होने से मैं जो बात करेंगे कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा और आप भी बात करेंगे तो नहीं सुनाई देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता नहीं चला कहाँ से वो माइक कनेक्ट करना है, बाद में मुझे पता चला। आज एक वीडियो प्रिपेयर कर देंगे, एक स्क्रीन शेयरिंग का वीडियो प्रिपेयर करके। अच्छा अच्छा, अगर वो पता है तो मैं ट्राई करते हैं अभी। हाँ सर, जो नर्सरी का जो क्लास होगा वो कितने सेशन होगा, 2 सेशन में होगा क्या ना, एक सेशन? अभी हम लोग फिलहाल इनिशियली 40 मिनट्स करके एक सेशन करेंगे। अच्छा अच्छा, एक सेशन। और शिफ्ट कितना होगा, 2 शिफ्ट होगा ना, 1 शिफ्ट होगा सर? दोनों, इवनिंग या मॉर्निंग? मॉर्निंग भी होगा, इवनिंग भी होगा सर। मैं कल मॉर्निंग कितने बजे शुरू होगा सर? मॉर्निंग का आपका टाइमिंग शायद 10 बजे शुरू होगा और इवनिंग का शाम को 6 बजे, और जब तक अभी शायद रमजान जब तक चल रहा है तो शायद 7 PM के बाद में क्लासेस होगा, रमजान के बाद में वो क्लासेस का टाइमिंग रीशेड्यूल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। कृतिष्का, कृतिष्का मैम आपका माइक ऑन कीजिए। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैम आपको तो समझ में आ गया ऑलमोस्ट, काफी मैंने बात किया काफी देर से। না একচুয়ালি মোর কি হল প্রথমৰ কিনি মই শুনি নাপালো বাৰু, মোৰ অলপ মাইকৰ কা প্ৰবলেম হৈ আছে, মাইকটো কানেক্ট হোৱা নাছিল আপোনাৰ, কানেক্ট হোৱা নাছিল তো প্ৰথমৰ কিনি মই ভালকে শুনি নাপালো। ওকে ওকে, মই পিছত হে মানে মাইকটো সেট কৰিব পাৰিলো আৰু। নার্সৰীত আছে না বাচ্চাটো? নার্সৰী হয়। ওকে ওকে ম্যাম, নার্সৰীটো আমি প্ৰথম খালি 40 মিনিটছ এটা সেশন কৰিম, মানে অনলি ইন্টৰেকশন নাম सब बच्चा कहता तो इतना नाभो है किशुमान बेबी बो किशुमान मैंने ऑनलाइन मतलब नहीं पहुंच सकता है, मेरा समय इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी में समझ आएगा ना? कोई बात नहीं सर, आप हिंदी में बोलिए सर। ठीक है मैम, हाँ तो सब बच्चे शायद नहीं बैठेंगे इसलिए फोर्सफुली नहीं है, सिर्फ उनको अगर जो नहीं बैठता उनको दिखा दीजिए, तो इसका रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर देंगे डेली क्लासेस का, और जो रिकॉर्डिंग है वो दे देंगे, और यूट्यूब चैनल है उसमें भी इसको डाल देंगे, जैसे भी अगर वो बैठते हैं हम लोग वो गैप कवर करेंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट लगता है कि मजोरिटी जो है 95% बैठेंगे, 5% बच्चे हैं जो नहीं बैठेंगे, उनको फोर्स भी नहीं करना है। तो ऐसा पेरेंट्स प्लीज आप लोग स्कूल में आके एक बार हमारे साथ कंसल्ट करने से एडिशनली हम लोग उनके लिए स्पेशली कुछ करेंगे जो मतलब टोटली ऑनलाइन में नहीं बैठ रहे हैं, तो उनको एक डिफरेंट सिस्टम में पेरेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे, और आप लोग का भी जो मम्मी लोग हैं आपके लिए ट्रेनिंग सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे, ऐसे ही जूम में होगा,
तो कैसे क्लासेस हम लोग यहाँ पे किस हिसाब से सिखाते थे, अभी नर्सरी का कैसा है कि हाथ पकड़ के हम लोग सिखाते हैं, अगर ए लिखाना था तो हाथ पकड़ के लिखाना था। तो फिलहाल हम ऑलमोस्ट 10-15 डेज राइटिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ उनसे बात करेंगे, ऑरली जो कुछ सिखाना था वो स्टार्ट करेंगे। KG 1 ऑनवर्ड्स डिफरेंट है और अलग अलग क्लासेस का डिफरेंट है। बाकी अगर इसके अभी अगर पूरा बात नहीं भी होता है और किसी पेरेंट्स का अगर डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेजेस डालिए तो उसमें रिप्लाई हम लोग दे देंगे, नहीं तो स्कूल में आने से भी हम ऑफिस में ही है, मॉर्निंग 8:30 से लेके इवनिंग 3 PM तक ऑफिस में है, आप आ सकते हैं। ओके थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं यहाँ से कुछ पेरेंट्स ने हैंड रेस किया है, रेडमी नोट करके है, आप माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मोर बच्चा तो प्रॉब्लम আছে, হি মানে মোবাইল তো চাই কিন্তু ইউটিউব চাই আর ক্লাস মই পড়ালে ন পড়ে হি। অ অ অ এতিয়া এতিয়া স্যার অনলাইন ক্লাস করা তার কারণে অসম্ভব হৈ পৰিব। ওকে ম্যাম, আপনি কি গৰক, নামটো কি আছে? জিয়ান পাঠক। জিয়ান পাঠকালি, হাই জিয়ান। জিয়ান পাঠক, হ্যালো। হাই, গুড মর্নিং। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং স্যার, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, গুড ইভিনিং, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, সাবাসন কি আছে? সি দিস স্যার, ইয়েস স্যার, তোমার বুকস দেখাইছে। হোয়াট ইজ দিস? आप चिंता मत कीजिए, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, आएगा आएगा आराम से, फोर्स मत कीट करना उसको, खाली 5 मिनट भी बैठने से कल ही आके वो टीचर से बात करके चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते उसको लेके आएंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बिरिना, 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 मैम माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर मोर माने अपना अपनी जे कइसे जेबिला होमवर्क दिबो होनी बारे स्कूल देखुआबो लागिबो। हां मैम। ना हेतु माने अपन मान प्रॉब्लम हो माने स्कूल तो बन्ध है, एतिया मय माने याते ना थाकु। ओके और जाम बोली हबो छ अपनी मैम ऑनलाइन नोट सबमिट करबो परबो। हेलो मैम। हाय हाय सर। मैम अपनी होमवर्क करा पिसत ऑनलाइन नोट सबमिट करबो परबो। ह एटा ठीक आसे दियो, एटा ऑप्शन आसे, एतु आमी माने कालि परोहिमान एटा ट्रेनिंग आमी पेरेंट्स ओर कारने राखिम, तते माने हिकाई दिम होमवर्क तो केने के सबमिट करबा लागे और केने के होबो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय बिरिना। बाय बाय बिरिना नय सर, दर्शिता नंदिनी। दर्शिता नंदिनी, बाय बाय। सेकंड, एक सेकंड मैम, एक सेकंड ना।
मैम ये दर्शिता नंदिनी ना हाँ ठीक है मैम कोई कंफ्यूजन है मैम आपका सर समझ में तो आ गया था ना मैम जी मैम हेलो किताब बिना तो एटीएम में पढ़ा बोलो सर मैम किताब अलग माने 10-15 दिन और पिसोद आरंभ करें मोर माने स्वाली जुनी किताब हिनी एटीआई लागे ही आरो अपनी सभा सभा देव तक लिखिबा दिबो नालगे माने ताई माने किताब खिनिए उलियाई थके ओके ठीक 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 दर्शिता आपका मिस सिखाएगा ओके मिस विल स्टार्ट बुक्स ठीक है बुक आप देखना भी लिखना नहीं है ओके कल ही डे आफ्टर टुमारो से मैम शुरू होगा ठीक है ओके मैम थैंक यू ओके थैंक नेक्स्ट नाम तो बहुत है काफी पेरेंट्स है प्रतीप कमल यस सर यू नो अबाउट जूम व्हाई डिड यू जॉइन देन मैम नहीं सर मेरे साथ बैठी है ओके मैंने वो जूम के लिए आज रखा था सेशन क्योंकि जो न्यूली एडमिटेड पेरेंट्स है ना तो फर्स्ट टाइम है काफी लोगों का फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने सोचा प्रतीप कमल कैसे ज्वाइन हो गया आपका छोटा वाला नर्सरी में है ना मैम हाँ हाँ नर्सरी में इजाबेला ना ओके 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 इजाबेला दास ओके ठीक है मैम वो क्लास तो नहीं गया एक दिन भी स्कूल नहीं गया वही ना जाने से पहले ही अभी बंद हो गया हाँ बंद हो गया जी मैं थैंक यू मैम थैंक अनम्यूट कीजिए सर आपने हैंड रेस किया हुआ है सर माइक ऑन कीजिए काफी लोगों का नाम नहीं दिख रहा है 70 पेरेंट्स है अभी मैं एक काम करते हैं सबको माइक का कंट्रोल दे रहे हैं तो एक एक करके आप अनम्यूट करके बात कीजिए एक एक करके बात करने से प्रॉब्लम नहीं आएगा सब लोग एक साथ माइक ऑन करने से आवाज डिस्टर्ब होगा कंट्रोल आपके पास में है एक एक पेरेंट्स माइक ऑन करके बात कर सकते हैं सर जी सर सर आयु से सर हाय को बोलो ना हाँ सर हाय 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 सर हेलो सर नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते सर कुछ पूछना चाहता हूँ सर जी सर सर मैं पार्था प्रतिम का पेरेंट्स बोल रहा हूँ सर सर अभी वो नर्सरी में है सर न्यू नर्सरी जी सर मतलब सर वो क्लास सर मैंने नेटवर्क खराब होने से सर कुछ नहीं समझ पाई पहले से सर तो बात ये सर क्लास
क्लास कब से शुरू होगा कि नहीं सर, हम इस बारे में सुन okay, okay. सर और कल क्लासेस के लिए एक फीडबैक फॉर्म हम लोग शेयर करेंगे और परसों से क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा और कल उसका पूरा डिटेल हम लोग देंगे. हेलो और बात ये हेलो सर सर मैं रिशान का फादर बोल रहा हूँ. रिशान दास का जी सर. वो अभी तो पीजी में है सर, प्ले ग्रुप में. तो आप प्ले ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं सर? सर प्ले ग्रुप के लिए भी हम लोग जैसे भी मॉडली बातचीत वगैरह स्टार्ट करेंगे. हेलो सर बोलिए सर. जी सर सुनाई दे रहे हैं ना सर? हाँ हाँ सर मुझे सुनाई दे रहा है. हाँ एक्चुअली मैंने वो मतलब कंट्रोल सबको दे दिया, सबका माइक ऑन हो गया. मतलब कंट्रोल सबको दे दिया, सबका माइक ऑन हो गया. हेलो हेलो हाँ सर बोलिए सर. प्ले ग्रुप का मीटिंग सर. हेलो सर. हेलो हाँ सर जी सर बोलिए. सर वो प्ले ग्रुप कुछ पूछा था आपसे प्ले ग्रुप. हेलो सर. हेलो सर हम रुबांगी के फादर बोल रहा हूँ. बोल रहा है सॉरी मुझे म्यूट करना पड़ा. मतलब सब माइक ऑन हो गया है ना तो समझ में नहीं आ रहा है. आप एक और ऑप्शन है इसमें, आप फोन में नीचे देखिए आपको एक साइड में मोर करके लिखा हुआ एक ऑप्शन है. उसमें जाने से आप चैट का ऑप्शन है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं. तो मैं यहाँ से रिप्लाई देता हूँ. नहीं तो हैंड रेस करने का भी ऑप्शन है, हैंड रेस कीजिए. मैं यहाँ से अनम्यूट कर देते हैं सर. ओके फर्स्ट अनम्यूट कर रहा हूँ मैं जिन्होंने हैंड रेस किया पहला. सर बोलिए. जी सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. तो मान्यता सौरिया का फादर बोल रहा हूँ. जी सर. सर नर्सरी में है आप? ठीक है ना सर? ठीक है सर. ठीक है. लॉकडाउन का न्यूज से थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया मेरा. ऐसे ठीक है सर. नहीं नहीं ठीक ठीक हो जाएगा. थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा. ऑलमोस्ट वन वीक लगेगा. मतलब क्या है मेरे बच्ची अभी. जी सर. जी जी जी. मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है अभी. ओके कोरोना अभी है या नहीं? मुझे मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना है इसलिए तो अभी मतलब आप जैसे वीडियो कॉलिंग होता है ना उस हिसाब से तुम लोगों का क्लास होगा. तो बात क्या है अभी तो आप लोगों का जो क्लास होगा. जी सर. दो सेशन दिन में दो. जी सर. अटेंड करना ही है. ठीक है जी. अगर दोनों में करना है तो कर सकते हैं. कर सकते हैं. कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके 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 ठीक है सर. थैंक यू सर. में जो क्लासेस होगा ऑनलाइन. जी ठीक है. तो जो जो क्लासेस होगा ऑनलाइन बेसिस पे उसके लिए आप लोगों का एक मतलब तो सबमिट करना होगा. पार्टन सर फिर से बोलिए सर. मतलब जो वीकली क्लासेस होगा. जी तो ये होगा ना ये मतलब होमवर्क का शीट होगा उस करके हम लोगों को स्कूल में जाके फिजिकली सबमिट करना होगा. नहीं तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. कैसे प्लान किया है नर्सरी का अभी इनिशियली ओरली शुरू होगा. जब उनका रिटर्न स्टार्ट होगा तो नोटबुक जो हमने यहाँ से दिया है आप अगर सबमिट कर सकते हैं तो सबमिट कीजिए. वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चा अगर डेली बेसिस पे कुछ लिख रहा है उसमें करेक्शन हो के टीचर का वेरी गुड या रिमार्क उसमें आने से बच्चा लिखने में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है. अगर कोई इसको चेक नहीं कर रहा है देख नहीं रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लिखने का जो वो है बोलेगा टीचर ने दिया है चेकिंग किया है. बच्चा भी आजकल थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है तो इसलिए हमने सोचा जो सबमिट कर सकते हैं आप सबमिट कीजिए. अगर कोविड के लिए आप सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हैं.
तो ऑनलाइन में कैसे सबमिट करना है वो हम ट्रेनिंग सेशन रखेंगे परसों के लिए, तो okay. हम लोग ट्रेनिंग जितना भी अभी आएगा शाम के टाइम में आएगा, या मम्मी लोग घर पे रहने से मॉर्निंग सेशन में जो अटेंड कर सकते हैं तो उनका हम लोग करके देंगे, तो भी हो जाएगा उस हिसाब से सबको पता चल जाएगा। अभी मतलब छड़ा कुछ जान के कोई फायदा भी नहीं मेरे ख्याल से, अभी ग्रेजुअली मतलब हम लोग सीख जाएंगे। हाँ आराम से हो जाएगा सर, कोई इतना नेक्स्ट वीक या हम जिस स्टेज में आप है, हम लोग पिछले अप्रैल में थे, मैं इस स्टेज में था जिस स्टेज में आज बैठे हैं आप, क्योंकि लॉकडाउन में हमने भी जूम लॉकडाउन में स्टार्ट किया है, तो करके जैसे हम यूज करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा। अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। मैं ओके सर, बाय सर, बाय। सेशन मैंने 30 मिनट्स का बोला था पर ऑलमोस्ट एक घंटा होने जा रहा है। सॉरी 7 बजे शुरू हुआ था, 8 बजे हो गया है, तो मैं कुछ और पेरेंट्स को अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे। सर आप माइक ऑन कीजिए। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। सर और मैं ध्रुवांगी। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर जी सर, मैं वो ध्रुवांगी देवरी का फादर बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर, आज तो फिजिकली मिले है ना सर आपको। अच्छा अच्छा सर, आज आए थे आप। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मतलब वो पहले मेरा थोड़ा ये हुए थे, वो कनेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत हुए थे, तो अभी जस्ट ठीक गया हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा है आज का ये प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा यही था कि वो हेलो हाय हेलो हेलो आप कल से सर से बाय बाय सर से बात करना ओके ऑनलाइन में ओके मिस के साथ हेलो करना, मिस को आपका नाम बताना, आपने घर में क्या ड्रॉ किया, क्या क्या किया, मिस को डेली में बताना है ओके ओके वेरी गुड बॉय। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। कुछ और पेरेंट्स ने हाथ रेस किया था पर ये है आपका अभी भी काफी पेरेंट्स है अभी। यस सर हाथ उठा रहे हैं। यस सर माइक ऑन कीजिए। जी सर माइक ऑन कीजिए। पार्थ प्रतिम मेधी आपके सामने है सर। सर को हाय बोलो। हेलो सर, ये है कि क्लास जब शुरू होगा सर, मतलब पार्थ प्रतिम का क्लास कौन सा दिन में है, कैसा है, ये सर शेड्यूल कहाँ से मिलेगा सर? सर कल मिलेगा, मतलब इनका क्लासेस डेली होगा सर, क्योंकि ऑनलाइन में है ना, तो सब बच्चे अपने घर में रहेंगे और टीचर्स स्कूल से क्लास करेंगे। मॉर्निंग में अगर आने से इवनिंग में होने से टीचर्स अपने घर पे होगा, तो वो टाइमिंग पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आधा घंटा पहले, ये जैसे मैंने मीटिंग के लिए लिंक दिया था ना आज, एक छोटा सा मैसेज और उसके नीचे मीटिंग आईडी वगैरह, ऐसा ही हम लोग क्लास से आधा घंटा पहले शेयर करेंगे, तो आप क्लिक करने से मतलब सर जी क्लास सर वीडियो क्लास होगा सर, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लास होगा। जैसे आज हम लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही टीचर लोग बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे, और ऐसे ही अभी इंटरेक्शन, अभी नर्सरी का हम लोग ऐसे इंटरेक्शन से शुरू होगा, थोड़ा बच्चा बातचीत करे बाद में जब। जी सर। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, मेरा मतलब मेरा फैमिली भी सर नौकरी कर रहे हैं सर, जी सर, मैं भी सर, दोनों सर मतलब क्या है सर, दोनों में एक घर में रहने से सर क्लास में अटेंड कर सकते हैं सर, इसीलिए सर मेरा जो नंबर है वो सर ऐड करना है सर, वो जो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ग्रुप है सर। आप सर आपका जो क्लास ग्रुप है व्हाट्सएप में, जैसे नर्सरी का 3 ग्रुप है, उसमें से जो भी ग्रुप आपका है, जिस ग्रुप में आप है उसमें एक मैसेज आप डाल दीजिए, तो क्लास टीचर सर नर्सरी का ग्रुप है सर, मेरा नंबर ऑलरेडी दे दिया है सर, लेकिन ऐड नहीं किया है अभी तक सर।
एड नहीं हुआ है आपका नंबर सर? अभी तक नहीं हुआ सर। बच्चे का नाम क्या है सर? सर पार्थो प्रतिम मेधी। पार्थो प्रतिम मेधी ना। सो टीचर्स सर नर्सरी में है ना? नर्सरी में है सर, नर्सरी में सर, न्यू नर्सरी। नर्सरी चंद्रिका मिस इज देयर? चंद्रिका मिस सर? यस सर। या मैम, मैम ही इज इन विच सेक्शन सर? नर्सरी डी सर। हेलो। या मैम। हेलो हेलो। या मैम। या सर इन नर्सरी लिटिल स्टार। नर्सरी लिटिल स्टार ना, प्लीज ऐड सर्स नंबर। ओके, हिज नेम इज प्रार्थना प्रतिम। ओके सर, एडिशनल नंबर माइट बी। ओके सर, आई विल ऐड। ओके ओके। या थैंक यू मिस सर। हां सर। सर ऐड कर दिया जाएगा ना सर? ऐड ऐड कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। यस सर, सर प्लीज अनम्यूट। हेलो 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 सर, यू आर माय हैविंग अ बिट लाइक एन अंडास। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? You are fine. Okay. You did not come to daycare. Hello, sir. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Actually, he wanted to talk to you. That's right. Okay, okay, okay. Yeah, I did not see him today. He was absent today, na, for the daycare. Yes. He's at home now. Okay, 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 okay. Okay, sir. We'll join. We'll try to cooperate in every way. Yeah, yeah. Sir, we will have two sessions as you and ma'am are working. So we will be having two sessions, okay? Yeah. Morning and evening. The convenient session you may join, sir. Evening session will be better. Yes. If he is going to stay in the daycare, so he may attend with the teachers only. They may be taking the classes from here. Thinking about that and yeah, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. काफी समय हो गया, हम लोग सेशन बंद करते हैं। बहुत पेरेंट्स हैं, जियान केशव, मैं कुछ पेरेंट्स अगर जिनसे बात हो गया है वो अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लीव मीटिंग का एक ऑप्शन है, लीव मीटिंग का ऑप्शन करने से आप मीटिंग से चले जाएंगे। जिन पेरेंट्स से बात हो गया है वो लोग अगर मीटिंग छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर, सर सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? जी सर, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सर जी सर। सर मेरा हसीद का बाप बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, हाय बोलो। हाय 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 सर। हर्षित तो पढ़ने में वो पता रहता है, लेकिन जो लिखने में उसका मन नहीं माने लगता है वो। ठीक है सर, अभी हम लोग 20 डेज लिखने नहीं देंगे, बाद में लिखने देंगे। यू हैव टू राइट, ओके? आपको लिखना है। मिस बिग बिग स्टार देंगे, मिस स्टार देंगे, वेरी गुड देंगे, थम्स अप देंगे। देखा थम्स अप? सो थम्स अप देंगे। देखा थम्स अप? हां, ऐसे क्लैप करेंगे,
ऐसे मिस हार्ट देंगे ओके ओके हाँ वेरी गुड बॉय जी सर मैं एक बात पूछना था एलकेजी का क्लास कौन से डेट से शुरू होगा सर एलकेजी का ना हाँ सर सब डिटेल कल मिल जाएगा सर नर्सरी एलकेजी यूकेजी सबका ठीक है थैंक यू वेलकम सर वेलकम बाय 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 Vivo 1906. Vivo 1906. Vivo 1906. Unmute कीजिए. Hello sir. Good evening. Hello. Good evening, ma'am. Okay. Hello. 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 Ma'am, समझ में आ गया ना? हम लोग शायद ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम हेलो हेलो गुड इवनिंग सर हेलो हेलो गुड इवनिंग सर हेलो मैम हेलो सर गुड इवनिंग या मैम सर पहले से मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया नेटवर्क की वजह से ओके तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्लास कितने बजे से शुरू होगा मैम मॉर्निंग का 10 बजे का टाइमिंग रहेगा हम लोग एक फीडबैक फॉर्म कल दे देंगे तो उसमें दो टाइमिंग है मॉर्निंग और इवनिंग का उसमें से कोई भी सेशन आप अटेंड कर सकते हैं वर्किंग पेरेंट्स भी है जो ऑफिस में जा सकते हैं इवनिंग में क्लास कर सकते हैं सर ध्यान दिख रहा है कुछ लाइंस दिख रहा है इसलिए बार-बार भूल रहा है स्टार्ट कर दिया है अभी से हैं जिशान यू आर राइटिंग ए सिर्फ लाइन दे तो इतने वेरी गुड बॉय हां राइटिंग के लिए अभी वेरी गुड वेरी गुड इसको क्लिक करके व्हाट्सएप में भेज दीजिए मैम थैंक यू सर वी कैन रेस्पॉन्स देयर हां ठीक है सर ठीक है मैम थैंक यू मैम बार बार बोल रहा है हां सर ठीक है तो सर जो रूटीन है उसका तो कौन सा दिन में क्या होगा ये तो सर कल शेयर होगा कल से पूरा डिटेल मतलब... शुरू हो जाएगा थैंक यू मैम ठीक ही है सर थैंक यू सर बाय 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 अनम्यूट कीजिए सर फोन का कुछ नंबर लिखा है हेलो हाँ सर हेलो गुड इवनिंग सर हाँ गुड इवनिंग सर सर ए सर सर तेते मय खुदिसिलु आपनाक ता माने प्ले ग्रुपर माने हितु सेशन टु किमे एकने को धरन प्ले ग्रुप टु हां सर प्ले ग्रुप टु माने केने को धरन आपनलके हे करबो जे टु प्ले ग्रुपर हे आसे माने क्लास माने केने को धरन होबो सर प्ले ग्रुप करो माने एनके एतिया माने जनेके आजि सेशन अमर होइसे ना कथपति आमी जनेके पातिसे एनके टीचरे माने প্লে গ্রুপৰ কাৰণে কৰিব আৰু কিছুমান এক্টিভিটি থাকিব এইটো আমি আপোনাক হেণ্ড অভাৰ কৰিম এইটো কাৰত কৰাই আপুনি সাবমিশ্যন দিব লাগিব স্কুলত গোটেইখিনি আপোনাৰ যিটো ছাৰ মানে এইটো হৈ পৰিছে এটা গ্ৰুপ এটা খুলিছে নহয় তাত গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব নহয় হ্যাঁ তাতে স্যার কালি পৰা মানে কোন দিন ক্লাছ হ'ব মানে আপকনি প্ৰথম আমি এটা ফৰ্ম দিম আপনা কি টাইম টু কনভেনিয়েন্ট আছে মর্নিং ইভিনিং যদি ফর্ম তো আপনি ফিলিং করে দেব উতি উসি হিসাব সে আপকা জো টাইমিং হম লোগ শিডিউল কর দেব সারো হাই কো বাবা হ্যালো হাই হাই কো হাই হ্যালো হাউ আর ইউ স্যার কো হাউ আর ইউ স্যার কো আই অ্যাম ফাইন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি গুড বয় থ্যাঙ্ক ইউ কো তুমি মোর লগত ক্লাসত আহিবা না অনলাইনত
We will show you cartoon. Okay. Hello? Johnny, Johnny, to quit the sir, Baba, sir. Johnny, Johnny. Telling lies. Open your mouth. Very good boy. Okay. Thank you, God. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. ऐसे इसी सबसे सर थोड़ा थोड़ा बात करके इनसे हम थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी कराएंगे. में टीचर्स का टेक्निक है इनसे काम कराना. राइट, इनका तो प्ले ग्रुप में राइटिंग नहीं है बट नर्सरी में राइटिंग है. ऑटोमेटिकली वो लोग सबमिट करना शुरू हो जाएगा. ठीक है सर. थैंक यू सर. ठीक है सर. थैंक यू. बाय 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 सर. बाय 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 सर. बाय बाय. तो सबसे बात नहीं हो पाया है. 7 पेरेंट्स और है जो हाथ उठा के हैं. मीनाक्षी जी मैम अनम्यूट कीजिए. हेलो हेलो सर. हेलो यस हर्षिल. Good evening. Yes, sir. Yeah, very good. I was just checking you will reply me or not. Very good boy. Okay. Now you were telling me na very good boy, sir. Ma'am, ये उस दिन मुझे बोल रहा था very good boy, sir. Very good boy, sir. Ashil, very good boy. ठीक है मैम. ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव बात करेंगे और स्टार्टिंग कर रहे हैं इस साल. बंटी का मैम. हाउ आर यू. हाउ आर यू का सर. सर हाउ आर यू. हाउ आर यू का सर. टॉय को. हाउ आर यू का सर. टॉय. सर टॉय पसंद दिवो. टॉय तुम्हें पसंद दिवो सर. हाउ आर यू का. हाउ आर यू सर. आई एम फाइन थैंक यू. हां यू स्कूल का. वेरी गुड बॉय. स्कूल एग्जाम का कौन दे लिखी एनहेला. ठीक है मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. कल डिटेल्स. या थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू. बाय बाय बाय. और है कोई. गैलेक्सी गैलेक्सी M01 हेलो सर. मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. या मैम दिस इज माय सर. ओके हाय. आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम. यू आर इन बरकर इन गुवाहाटी. हाय सर. को हेलो बाबा. Baba, talk to sir. Hello. Principal sir. Suddenly we are thinking how to make them sit in front of the phone. Ma'am. No, as such, he sees videos and all in phone. Okay. But he's not acquainted to class. Yeah. Sir, that I was really confused. I to give him in nursery or play group. Yeah. And so. He's admitted for nursery or play group. Sir, play groups are now. I took admission free and got books also, but now reconsidering the fact, and now we want to give him in play group. Play group. Okay, ma'am. Okay. So, ma'am, no problem. Play group also, we will start initially like 40 minutes a session where only we will interact with them, like what is your name, what is this, that, show them some videos by sharing our screen. So, if possible, if he sits, okay. Otherwise, some homeschooling method also is there. So that we can hand over to you, so you can get it done by him at home. And ma'am, weekly you can submit it to the school camp school office, or you want you can submit in online also. However, it is convenient. We will not force that parents should come to school. That if you can submit, okay. If it is not possible,
you can submit it in online. And one more question, sir, I wish to ask. What time, sir, are you? Then we will give evening? Two sessions, morning and evening session. Morning will evening be... possible. Evening, ma'am, we will have most probably now from after 7 p.m. 7 to 7:40, like that. So now this Ramzan festival is going on. After the festival, it might come to 6. So we will make it convenient for all. Okay. And morning, sir? Morning? Morning, ma'am, 10 a.m. will be the time. Okay. So is it possible that some days he does in the morning and some days in the evening? Yeah, yeah, ma'am. As it is convenient for you. You can attend both the session. You can attend morning or evening. Just to keep a communication with them. When the schools will open, they should come to school without crying and come and start their job where we left them on online. And they will learn something new technology. And... that's all. Yeah, just have a talk, na? Say something to sir. Tell me your name. Aapka naam kya hai? Naam bolo. What? Bhalki kua? Rian Zaman. Bhalki kua, sir, of naam to kua? Bhalki kua? Rajaman, Rajaman. Wow. And tumi ki color, which color you like? Konsa color aapko pasand hai? Red, blue, yellow, green. Konsa color pasand hai? He can say like this. What color is this, Baba? Color is. To be qua. Teacher. What color is this? What color is this? Okay. You tell me what is this. Hey, I have something. Blue. Say this. It's a color. Which color this red. Is? Red. Red color. So, this is red color. Okay. Swa. Sorry, dekha po, swa. No. And see my hair? It's black color. Can you see? See my teeth? White color. No? Okay, we will learn like this. At least 10 minutes, 5 minutes they sit. That will be sufficient. 3 years old, it is a little difficult also, ma'am. So we will not, don't force them. If they sit, no problem. If they don't sit, okay. Some days they may sit, some day they may not sit. So keep a communication continuously with the teacher. Okay. So that will help you. Okay. And all meetings will be in Zoom or? Yeah, for initially it will be on Zoom, ma'am. Okay. Only step by step we will introduce other apps which are connected to the books and school and other things. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you parents for joining. Aap log aaj join hone ke liye thank you. Almost 1 ghanta aur 20 minute ho gaya hai. Agar kisi se baat nahi ho paya to sabse possible nahi hua hai aaj baat karna. To agar koi reh gaya hai aap WhatsApp mein messages dal dijiye. Agar kisi ko kuch sunai nahi diya tha thode der baad ye aaj ka session jo recording hua hai ye main share kar denge group mein aap fir se isko dekh sakte hain. Thank you, namaste, good night. Thank you, teachers. Good night, may. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Sir, आपका आवाज़ नहीं आ रही है sir. दोनों सेशन कास्ट कर रहे हैं क्या? Yes, yes. जी अगर कुछ सवाल बचा है आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं मैम नहीं सर सभी लोग पूछ रहे हैं
जवाब किसी को नहीं मिलेगा जी सर मतलब ऐसे पूछने से सुनाई नहीं देगा, यहाँ से माइक ऑफ किया है, सुनाई देगा अगर माइक सबको ऑन कर दे एक साथ में तो मतलब किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने सबका माइक ऑफ करके स्टॉप करके एक एक करके जो भी हो अच्छी तरह से सुनेगा। हाँ वो इसीलिए किया प्रॉब्लम तो सबका एक ही होगा, फर्स्ट डे में सबका डाउट तो क्लियर नहीं होगा, ये हमारा मतलब एक नया फैमिली का जो फर्स्ट जर्नी शुरू हो गया है तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ऐसे सेशन आते रहेगा जिसमें अटेंड होने के बाद ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नहीं है, अभी लास्ट ईयर ऑटोमेटिक वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम एक एक करके आप सिर्फ 10-15 डेज के बाद देखो जो बच्चे अभी जिस जो आप कैमरा और माइक हैंडल कर रहे हैं वो लोग करना शुरू हो जाए। हम लोग तो सर घर में जो भी है तो हम सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो सिखाया जाता है वो थोड़ा सर इसलिए हमने बोला आप लोग अभी मतलब घर पे राइटिंग वगैरह कुछ मत दीजिए, जब हमारा क्लासेस शुरू होगा टीचर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टीचर्स यहाँ से लिख लिख के वो स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उसी हिसाब से घर पे लिखाएंगे, तो ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करना है, सिर्फ स्लाइटली मतलब सिर्फ अभी हमारे साथ में इंटरेक्शन करें, हाय हेलो कलर्स कौन सा है ये वो ऐसे सीखे, तो मेरा उम्मीद है कि ऑलमोस्ट शायद 15 में या 10th में ऐसे ओपन होना चाहिए, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और उसको अपडेट करके 100% नहीं होगा 70-80-60% जितना भी हो उसको करेंगे सर। और एक बात सर, वो तो दोनों सेशन में क्लास कर सकते हैं क्या एक ही सेशन? नहीं आपका इच्छा है सर दोनों सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है okay, तो सवेरे तो ऑफिस में जाना पड़ता है, काम वगैरह भी घर में रहता है okay. इसी तरह से अगर सवेरे नहीं हुआ तो शाम को अगर दोनों सेशन में हम नहीं होने से इवनिंग में सर इसलिए दो टाइमिंग दिए है। इवनिंग का टाइम कितना होगा सर? सर इवनिंग अभी जितना देर ये रमजान का महीना है इवनिंग का 7 PM के बाद होगा, रमजान खत्म होने के बाद में 1 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे मुस्लिम पेरेंट्स है रमजान के बजे से शायद या 4 बजे से वो लोग इफ्तार वगैरह भी मिलते हैं नमाज का टाइमिंग, इसलिए हमने कन्वीनियंट करके वो 7 के बाद में रखा है, तो उसके बाद 6 से आ जाएगा। एक सेकेंड सर, बहुत एक थैंक यू सर, थैंक यू, एक सेकेंड में बात कर लो। ठीक है सर, सर को वो है महीना, सर को बोलो, सर को बोलो, ये सर तुम्हारा सर के नहीं आते भले आते नहीं उधर से मैं जो इधर हेलो हाय ये जा सर आता दिया सर आता दिया बहुत अच्छा हुआ था, हुआ था दिया थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मैम माइक ऑन कीजिए, ज्योतिष नाम मैम, मैम आपका एक ऑप्शन आएगा उसमें आप क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन में इसको ओके कीजिए, एक सेकेंड मैं आपके स्क्रीन में एक ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट योरसेल्फ करके उसको ओके कीजिए मैम, हाँ अब बोलिए मैम, जी मैम बोलिए। तो गुड इवनिंग सर, प्रॉब्लम था जी मैम, हाँ साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, होल मीटिंग में सुनाई नहीं पा रही थी, अभी आया है साउंड। ओके मैम एक्चुअली आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट डे था ना इसलिए, यस सर, तो आहिस्ता 2-3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी मैम बोलिए। अच्छा क्लास का टाइम कितना होगा मैम? सुबह भी होगा शाम को भी होगा, 2 बजे सुबह का 10 बजे का दिए हैं, शाम को 7 बजे का मैम। ओके सर, और कुछ घर में जो हम प्रैक्टिस करा पाएंगे सर? हाँ हाँ मैम, हम लोग उसी हिसाब से करेंगे कि मतलब स्कूल में इतना है कि बच्चा घर पे रहेगा, स्कूल पूरा वैसे ही चलेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में नर्सरी के लिए 40 मिनट करके होगा, तो जो डेली बेसिस में अगर स्कूल में उनको 3 सब्जेक्ट का कंटेंट जाता था
तो अभी इनिशियली सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंटेंट हम लोग देंगे. सपोज आज अगर हमने इंग्लिश किया है, कल हम लोग मैथ्स करेंगे, परसों हम लोग ईवीएस करेंगे, ऐसे करके. पर एलकेजी ऑनवर्ड्स एक ही दिन में उनको तीन तीन सब्जेक्ट मिल जाएगा. जी मैम, अभी इनिशियल अभी फिलहाल जून में होगा. ठीक है मैम, ठीक है सर, टाइम टाइम पे बातचीत करते रहेंगे. जी मैम, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू. जी मैम, थैंक यू. कुछ और पेरेंट्स थे, आप बोल सकते हैं, आप माइक ऑन कर सकते हैं. आप लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अगर कुछ पेरेंट्स बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. थैंक यू टीचर्स, यू कैन लीव. ओके जितेंद्र, यू कैन लीव नाउ. मैम रेडमी, रेडमी आप माइक ऑन कीजिए. मैम एक ऑप्शन आ रहा है आपका स्क्रीन में, उसको क्लिक कीजिए. हाँ मैम, कुछ पूछते हैं. हेलो मैम, मैम बुझी पाई से ना. हेलो मैम, हाँ मैम आप बात कीजिए. हेलो हेलो, हाँ मैम सुनिए. सु मैम, हाँ सुनिए. सु मैम कॉक सुन. हाय सर, बुझी पाले ना. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग. हाँ मैम, मैंने बुझी पाई से ना सर. एलकेजी सर. हाँ तुम एलकेजी, तू होबो क्लास होबो मैम. एलकेजी क्लास कितने पर आरंभ होगा मैम? पर रोही पूरा होगा. परोही पुरो कली कोला कली हमें टाइम टेबल दी. परोही होबो केटा बाजार मैम? कोआ होबो 10टा बाजार पुरा और कोला होबो 7टा बाजार पुरा. हां ठीक है सर. सर ठीक है मैम, की बार डाउट थकली अपनी मैसेज दी देबो व्हाट्सएप. ओके मैम, थैंक यू. अभी कौन है? रूपशिका, आप माइक ऑन करो. रूपशिका मैम आपका नाम है, छोटी का नाम है? सॉरी सॉरी सॉरी. ओके मैम आप थोड़ा सा हो गया, ऑन हो गया ना. मैंने सोचा छोटे का नाम है. नाम श्रेया है, क्लास वन में पढ़े. क्लास वन में है ना मैम? ओके ठीक है मैम. आपका अभी नया एडमिशन हुआ, कौन से स्कूल से आया? हेलो, टेंपल से आया. ओके मैम, तो मैम हम लोग का क्लास ऐसे होगा जने के अम्मी अपनी मुख देखा पाई ऐसे एने के क्लास और सब बच्चा केटा थकी वो और टीचरे थकी वो और डिमांड सब्जेक्ट थके मोटा मोटी एक दिन हो तो अपनी तीन टा सब्जेक्ट अम्मी प्रथम दो दिन मोटा मोटी যদি পুয়ার ক্লাস তো আপনি লয় দশটার পর আরম্ভ হবো সাড়ে এগারো বারোটা লয়. হ্যাঁ ম্যাম, দুটা ক্লাস লোব পারবো যদি আপনি ঘরতে থাকে আপনি পুয়া করবো পারবো, আগে অফিসও যায় আপনি ইভিনিং লোব পারবো, যেনেকে সুবিধা হয়. মানে একদিন অনলাইন ক্লাস ওয়ান প্রথম আমি তিনটা সাবজেক্ট দিন কভার করি. এটা নতুন টাইম টেবিল তো বনাম অনলাইন কারণে. ओके मैम, थैंक यू मैम. अभी हमारे ज्यादा पेरेंट्स नहीं है. आपका माइक और कैमरा का कंट्रोल पेरेंट्स के पास में है, अगर आप चाहते हैं माइक बंद करना है तो कैमरा ऑफ करना है कैमरा ऑफ कर सकते हैं. पर बच्चे जब सीख रहे हैं तब आप लोग
मीटिंग के टाइम में कंपलसरी नहीं है कि मैं कैमरा ऑन रख ले, बात करने के टाइम ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप कैमरा ऑफ से भी पेरेंट्स लोग बात कर सकते हैं, बच्चे जब अटेंड करें उस समय कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सबको, ये सेशन हम अभी खत्म कर देते हैं। मैम इससे बात करवाइए हमारा। हाय सर, हाय, हेलो हेलो, तुम्ही स्कूलत तो वहां नाही मोय अजी रोकी असिलु। हां कोरोना व्हायरस, कोरोना व्हायरस, ओ ठीक आहे, तुम्ही खरो थकिबा, तुम्ही खरो थकिबा और सर लोग तने के कथा पातिबा। हां मिसे आइबो तुमक। ओके वेरी गुड बॉय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, सो स्वीट। ठीक है मैम, गुड नाइट मैम। ओके थैंक यू पेरेंट्स, मैं अभी सेशन ये खत्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, 8 बजे 7 o'clock स्टार्ट किया था, 8:30 हो गया, मैंने 30 मिनट्स बोला था। जी सर, उजीर सर, मैं आप कुछ बोलना चाहते हैं ना? जी सर बोलिए। सर माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। जी जी बोलिए मैम। सर मैं अवली रोजी की माँ बोल रही हूँ। जी मैम। हाय सर। मैम बोलिए। सर मैंने अभी बच्चे को मेरे लेनी थी, गोद में आया था वो, पहले तो नहीं आ रहा था, कुछ भी करके नहीं आता है वो, थोड़ा दिखाने के लिए लाई, बस वो चला गया, पता नहीं मुझे वो एडजस्ट होगी नहीं। ठीक है ठीक है, मैंने हाँ वो स्कूल में भी नहीं बैठता है तो पूरा भागता है। तो इसलिए मैंने बोला सब बच्चे मतलब कि फोर्स नहीं करना है, आज थोड़ा देख के नहीं बैठा है उसको, आप खाली अभी कल हम लोग डिटेल्स देंगे, परसों से क्लास स्टार्ट होगा। अगर वो ऐसे नहीं बैठता है अगर तो दूसरा कुछ हम लोग तरीका देखना पड़ेगा उसका, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, आप मत देखिए कि आपका कोई सहेली है उसका वाला बैठ रहा है आपका नहीं बैठ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पे टीचर्स है, और नहीं बैठने वालों के लिए टीचर्स आपके साथ में पूरा कोऑर्डिनेट करके टीचर्स जो काम करेंगे वो आपसे करवा लेंगे। तो उससे क्या है कि आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि हम लोग स्कूल में किस पैटर्न से किस तरीके से सिखाते हैं। तो अगर वो स्टार्टिंग में नहीं बैठ रहा है हम इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, यूट्यूब चैनल है उसमें इसको रिकॉर्डिंग डाल देंगे, उसमें आप उसको दिखा सकते हैं। या फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले रहा है तो वीडियो लेसन्स भी बनाते हैं, जैसे हम लोग कोई वीडियो यूट्यूब में देखते हैं वैसे ये लोग को दिखा सकते हैं। अगर वैसा नहीं होता है फिर इसका अलग से आप एक बार स्कूल में आके, अगर ये सब ट्राई करने के बाद अगर सक्सेस नहीं होते हैं फिर आप एक बार स्कूल में आके हमको पर्सनली बता दीजिए, फिर हम उसका एक नया शेड्यूल प्लान करेंगे। ठीक है मैम? कहाँ चले गया ना वो स्कूल में आके क्लास से भाग के गेट की तरफ ही देखते रहते हैं क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं है। जब वो लोग पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो पूरा एनर्जी जो है भागने का जितना एनर्जी था ना वो सब पढ़ाई की तरफ निकलेगा क्लासरूम के अंदर। तो अभी क्लासरूम तो अभी घर पे ही है, घर पे बैठेगा वो तो ऑनलाइन में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है। तो बाद में जब आप दिखाना दूसरे बच्चे बैठेंगे बात करेंगे तो उसको लेके आइए अगर आता है तो। एक्चुअली उसने देखा है बाकी लड़को कोई कोई बोल रहा है ना उसको देख रहा है बट वो खुद नहीं बोलता है या फिर ऐसा। फर्स्ट टाइम में शर्म भी आएगा तो सब लोग एक जैसा नहीं है ना। अभी जैसे मैंने बहुत लोगों का माइक ऑन किया कुछ लोग बात नहीं किए हैं, तो कुछ पेरेंट्स वेट कर रहे थे बात करने के, कुछ पेरेंट्स बात नहीं कर पा रहे हैं, तो सबका वैसे ही बच्चे उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब सब एक जैसा नहीं है। तो ऑटोमेटिक 10-15 डेज में इसका एक्चुअल हम लोग को पता लगेगा कि ये बैठेगा या नहीं बैठेगा। अगर नहीं बैठता है तो फिर हम उसका एडिशनल हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मंथ तक खुल सकता है, अगर बाई चांस नहीं खुलने से भी उसका पढ़ाई को लेके आप लोग चिंतित नहीं होना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कूल में है, स्कूल कैंपस बंद है पर हम लोग का सिस्टम बंद नहीं होगा, बच्चों को अपडेट करेंगे। ठीक है वो घर पे हमें
अकेला रहता है सिर्फ माँ पापा के साथ, इसलिए शायद वो ज्यादा नहीं घुल पाता है। अभी तो बाहर लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो सिंगल फैमिली होने से थोड़ा है, या तो फिर बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना रहने से प्रॉब्लम नहीं था, तो ऐसे ऐसे इनिशियली हो जाएगा मैम। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत बच्चे हमने देखे आराम से अभी ठीक ठाक होके अभी क्लास 3 में 4 में 5 में पहुंच गए। दसवीं में यही था, काफी थे मतलब पेंसिल देने से हाथ में हाथ ऐसे खोल के पकड़ लेते थे, मतलब पेंसिल को पकड़ेंगे नहीं, हाथ ऐसे पूरा ऐसे हाथ खोल के दिखा देंगे, पेंसिल नहीं पकड़ना। तो वो लोग भी पेंसिल पकड़ा लिखा, मम्मी लोग रोता था कि मेरा क्यों नहीं लिखता सर, मतलब इतना टेंशन में। पर अभी उनको आप पूछिए, वो पेरेंट्स अभी भी हमारे पास में है, इतना है कि क्लास 6 में है 7 में है बच्चे, तब बच्चे नर्सरी में थे, अभी वो इतना स्मार्ट इतना अच्छे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, गुड नाइट ऑल पेरेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हम लोग फिर मीटिंग सेशन करेंगे, थैंक यू, गुड नाइट।